बड़ी खबर लखनऊ से मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य ग्रांट मदरसों में अब हो सकेंगे रेगुलर ट्रांसफर। रेगुलर ट्रांसफर को शासन से हरी झंडी मिली है। ट्रांसफर के लिए दोनों मदरसों के प्रबंधकों की लिखित सहमति जरूरी। मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए भी नया आदेश। मृतक आश्रितों को भी अब मदरसे में मिल सकेगी नौकरी। मदरसों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगी मैटरनिटी लीव। सभी सरकारी महिला कर्मचारियों की तरह अवकाश मिलेगा। मदरसों में नई मान्यता के लिए अब होगा सर्वे। गैर अनुदानित मदरसों की मान्यता के जल्द खुलेंगे रास्ते। पिछले 7 सालों से नए मदरसों में मान्यता के दरवाजे हैं बंद। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी निखिल। जिस तरीके से अब ट्रांसफर, यानी कि पहले की जगह रहते थे तालीम देने वाले शिक्षक जो इस मदरसे में, और अब ट्रांसफर हो सकेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी, कई सुविधाओं की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, तो जरा ये जो खबर आई है वो खबर दर्शकों को पहुंचा दीजिए आप। देखिए, अब तक का अगर हम कहें योगी सरकार का, तो मदरसों को लेकर ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसमें 3 फैसले बेहद अहम है जी। अभी तक ये देखा जा रहा था कि मदरसों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिल पा रही थी, और इसकी वजह से महिलाएं बहुत समय से ये बात खा रही थी, और योगी सरकार ने उन महिलाओं का दर्द समझा है कि उन्हें महिला कर्मचारियों की तरह मदरसों में भी मैटरनिटी मिले, यानी जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम हो या जब बच्चे को केयर करने का टाइम हो तो उस समय उनको अवकाश मिल सके, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी आसानी से उठा सके। और बहुत लंबे समय से मदरसे में इसको लेकर मांग चल रही थी। पहला महत्वपूर्ण फैसला इसे माना जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये है कि मदरसों में अब म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेंगे, यानी एक मदरसे से अगर कोई कर्मचारी दूसरे मदरसे में जाना चाहता है और उसी मदरसे, यानी दूसरे मदरसे से कोई कर्मचारी पहले मदरसे में आना चाहता है, तो वो तबादला करा सकता है, उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये दिया गया है कि मदरसों में जो ऐसे मदरसे हैं जो अनुदानित मदरसे नहीं है, जिनकी यदि उनको मान्यता की जरूरत है, उसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 7 सालों में वो बढ़े हैं, उन्होंने काम करना बेहतर शुरू किया, तो उनके लिए फिर से मान्यता का एक नया रास्ता खोलना, वो मदरसे मान्यता प्राप्त कर सके, उसके लिए अब एक बार फिर से सर्वे कराया जाएगा ऐसे मदरसे जो जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन कर रखा है। क्या जो सरकार के नियम है, सरकार की जो नियमावली है, उन जो मदरसों से अपेक्षा है, अब वो वास्तविकता में वो पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसके बाद हो सकता है उनके मदरसों के मान्यता के रास्ते खुले। तो ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं मदरसे को लेकर वो किए गए हैं, और जिसमें मैंने बताया कि सबसे बड़ा फैसला ये है जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है आम कर्मचारियों की तरह। धन्यवाद निखिल इस जानकारी के लिए। तो 3 महत्वपूर्ण फैसले, जिस तरीके से मदरसों को लेकर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया।